15 वर्ष पहले जब कुलदीप रंगीला ने एक सच्ची बात आपको बताना चाहता हूं कि 15 वर्ष पहले जब कुलदीप रंगीला ने अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी तो पहले मंच अगर कहीं पड़ा था तो आपके इस क्षेत्र में पड़ा था, आपकी इस माटी में पड़ा था, इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आज हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, हमें बड़े बड़े लिफाफे मिलते हैं 25,000, 30,000, 50,000 तक के, लेकिन उस कवि सम्मेलन में मुझे मात्र 500 रुपए का एक लिफाफा मिला था और मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। फिर टेंशन मांगा साहब, बड़े प्रेम से आप सुन रहे हैं, तालियां भले कम है आपकी लेकिन आप प्रेम से सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। इतने बड़े बड़े कवियों के बाद में मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ। मैं सच बताऊं, मेरे पास कोई बहुत बड़ा शब्दकोश नहीं है, ना तो मैंने MBA किया ना BBA किया, लेकिन मैं फिर भी रिसर्च करता हूँ। जैसे पहले कवि सम्मेलन होते तो उसमें 1 कवित्री होती थी, आजकल आप देखो कहीं भी कवि सम्मेलन होते हैं तो उसमें 2 कवित्रियां होती है, वो तो आज एक मिली नहीं इसलिए 1 ही है। उसका मैंने रिसर्च किया और 3 वर्षों के रिसर्च के पश्चात मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मंच पे 2 कवित्रियों को क्या होता है कि हमारे घर में हम कोई रसोई देते हैं, शादी ब्याह होते हैं भाऊजी, तो हलवाई हमेशा अपने साथ 2 बई लेके आता है, 2 बई, एक बई तो रहती है टकाटक और एक रहती है बुरी गतकी, लेकिन जो बुरी गतकी रहती है काली रहती है वो समोसे भी बना लेगी, गुलाब जामुन भी बना लेगी, पूड़ी भी बना लेगी, सारे काम कर लेगी, लेकिन जो टकाटक रहती है उसका एक ही काम, वो इतना सारा लसन का ढेर लगाएगी और लसन छीलेगी। आप 12 बजे जाओ तो लसन छीले, 3 बजे जाओ तो लसन छीले, यहाँ तक कि लोग खाना खा के घर निकल जाए उसके बाद भी जाओ तो लसन छीले। तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, रिसर्च किया कि हलवाई उस भाई को बुला के 500 रुपए किस बात के देता है, वो इस बात के 500 रुपए देता है कि उसको बिठा के रखो ना तो मौसा जी और मामा जी बार बार आके बोलते हैं कि चाय पानी लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं होगी तो कवि सम्मेलन के बाद में आपको बता दी जाएगी। आप ताली भी ऐसे बजा रहो क्योंकि साहब कहीं से कहीं तक कोई टेंशन वाला मामला नहीं है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा सुंदर है, तो प्रेम का आयोजन है, प्रेम का आयोजन महत्वपूर्ण होता है, जो आपकी तालियां इन कवियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। और कहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है वो आधी जंग लड़ने के पहले ही जीत जाता है। बस उसी जंग में आपको मेरा साथ देना साहब। पैसों की तो ये स्थिति कि जब तक हम मंच पे बैठे जब तक VIP, नहीं तो हालत ये कि 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया, मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए, अब अपने पास पैसे कोड़ी कुछ नहीं, क्योंकि 2 साल से फुर्सत में, अब मैं बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बाटल चढ़ रही है, कविगण मेरे को देखने के लिए आए तो बाबूजी ने पूछ लिया, बोले कुलदीप कैसा लग रहा है, अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता आपका प्रेम। तब 4 पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता इन बड़े लोगों के बीच में कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है, यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है, पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। साहब ये लोग आए हैं केवल आपके प्रेम के लिए, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हर एक एक आदमी राष्ट्रभक्त है, क्योंकि 350 करोड़ में एक फिल्म बनती है हमारे देश में, लाल सिंह चड्ढा, लेकिन वो 350 करोड़ में बनने वाली फिल्म भी इतने लोग नहीं जुटा पाती जितने इस तेजा जी के मेले में इस जगह जुटे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमने बाइकॉट कर दिया इस प्रकार की फिल्मों का, क्या फिल्में आया करती थी साहब, आप जानते हैं एक जमाने में फिल्मों के नाम होते थे जय संतोषी माँ, नदिया के पार,
आजकल फिल्में आती है, नाम होते हैं टॉयलेट, मतलब इंटरवल में भी आदमी वही देख रहा है। गीत आया करते थे साहब, क्या गीत होते थे, इतने प्यारे गीत होते थे। अभी परसों के दिन में टेलीविजन पे एक गीत देख रहा, और गीत के बोल क्या थे, कि आज मैं जवान हो गई हूँ। हीरोइन ने पिंजरे में तोते को रखा, उस तोते के सामने गाना गा रही, कि आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। तो पिंजरे में से तोता बोलता, पे, पे। ये गीत अभी पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत। अगर आप में से एक भी व्यक्ति मेरे को उस गीत का अर्थ बता दे, तो कुलदीप रंगीला इस मंच पे घोषणा करता है कि आज का वो लिफाफा कुलदीप रंगीला उस व्यक्ति को देके जाएगा जो इस गीत का अर्थ बताएगा। और गीत कौन सा, पायर तू डाहा तिरवाड़ा जाके सिटी बोले गोले चौन, दिए बदन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पदन। ये गीत हमें अर्थ नहीं, अर्थ का अनर्थ हो गया, ये पूरा देश पागल। काचा बादाम दादा काचा बादाम काचा, ये हालत हो गई है सब, क्या दिया है हमको। ये पहले क्या गीत हुआ करते थे, गीतों के माध्यम से भाई साहब हम बात कर लिया करते थे। मैं बाथरूम सिंगर हूँ, सुबह सुबह आज जब कवि सम्मेलन के लिए निकल रहा तो बाथरूम के अंदर साबुन रगड़ते रगड़ते मैंने एक गाना गाया, और बाहर झाड़ू लगाती लगाती मेरी पत्नी ने गीत में जवाब दिया, मैंने गाना कौन सा गाया, पानी में जले रे मेरा गोरा बदन गोरा बदन गोरा बदन हाय गोरा बदन। तो बाहर झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्म पत्नी शुरू हो गई, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले सुनना ले कोई सुनना, कमजोर तालियां है। ये गीत हुआ करते थे साहब, हम कहां से चले थे। मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते थे, बात कर लिया करते थे हम गीतों के माध्यम से। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पति महोदय मदुरई चले गए तमिलनाडु में। अब वो जब 3 साल के बाद में लौटे तो देखा कि घर की दहलीज पे एक 2 साल का बच्चा खेल रहा। अब वो टेंशन में के पूछे कैसे, तो मेरे पास आया तो मैंने कहा गाने में पूछो, इतने इतने गीतकार हैं, इतने गीत लिखे हैं, गाने में पूछो। तो उन्होंने गीत के माध्यम से अपनी पत्नी से पूछा उस बच्चे को देख के, ये क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ। लेकिन पत्नी ने वो जो जवाब दिया, अगर वो आप तक पहुंच जाए तो यहाँ से वहां तक तालियों की गड़गड़ाहट कर देना। उसने भी गाने में जवाब दिया कि यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। ये गीत हुआ करते थे साहब। हम जानते हैं कहां से कहां आ गए, हमने बॉलीवुड का बायकॉट ऐसे ही नहीं किया। किस लिए किया, जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठ के जाते थे तोरण मारने के लिए तो गीत बजाया जाता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और आजकल गीत क्या बनते हैं, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के। माताएं बहने यहाँ पर बैठी है, आप जानते हैं विदाई के टाइम पे जब घर में बिटिया की विदाई होती है, बड़े लोग जानते हैं, एक ऐसा गीत जब भी बजता है विदाई के टाइम पे तो हमारी आंखें नम हो जाती है। और आप जानते हैं वो गीत कौन सा था, वो गीत था कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये गीत हुआ करते थे साहब। अभी हमारे यहाँ देवास में एक लड़की की विदाई हो रही, बाहर गाड़ी खड़ी जिसपे गुलाब के फूल चिपके, वो लड़की की विदाई पे बैंड वाला गीत बजा रहा, आनंद लेना मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। इधर बेटी की विदाई ने उधर गीत चालू, अरे देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर गीत चालू ने उधर विदाई के, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कहां से चले थे साहब, हमने बॉलीवुड का बहिष्कार करा, हम तमिल फिल्मों की तरफ चले, साउथ फिल्मों की तरफ चले। दादा कौन सी फिल्म है, पुष्पा राज। वाह देखो ये कह रहा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, और पूरी फिल्म में खुद झुक के ही चल रहा है। लेकिन साहब बड़े लोगों के बीच में छोटा लोग आया, बहुत ज्यादा ही छोटा पौधा है ना।
साहब मैं कहना चाहता हूँ कि पुष्पा राज झुके न झुके पर ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। अब आपकी तालियां मंच तक पहुंचे, अगर बात आपके हृदय तक पहुंच जाए, एडवांस में नहीं बैठा, जब सब बजाए तब बजाना, ये भी दिक्कत है। आजा पुष्पा राज झुके न झुके पर ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है, लेकिन साहब अगर झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती है तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती है तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। कुलदीप रंगीला झुकेगा मगर उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है, उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान गवाई है, उसके आगे झुकेगा जिसके मस्तिष्क में उसके पिता और उसकी माई है, और उसके आगे झुकेगा साहब जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है, जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है।